और दोस्तों, आज मैं आपको WhatsApp के एक नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज ही अपडेट में आया है। वो भी बीटा यूज़र के लिए है, नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं आया। वो अपडेट क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। वो अपडेट है चैट हिस्ट्री को लेकर। पहले क्या होता था, आपको किसी का, अगर आपको किसी से बात करना है WhatsApp पे, तो आपको पहले उसका नंबर सेव करना होता था, फिर आप उसको सर्च मारते थे, तब जाके आप उससे चैटिंग कर पाते थे। अब ऐसा ऑप्शन आ चुका है कि आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल एक QR कोड स्कैन करना है और डायरेक्ट आप उससे चैट कर पाएंगे। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप WhatsApp बीटा यूज़र हैं तो अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, नहीं तो अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो थोड़ा वेट करिएगा, ये अपडेट आपके पास आ जाएगा। तो नॉर्मल सबसे पहले WhatsApp पे चलते हैं। WhatsApp पे जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पर सबसे ऊपर देखेंगे, आपका जो नाम आता है उसके बगल में ये दिख रहे हैं जो ऑप्शन आ चुका है, ये QR कोड का ऑप्शन है। आपको सिंपल यहाँ क्लिक करना है, तो आप देखेंगे QR कोड दिख रहा है जो कि मेरा है, मेरा मोबाइल का जो QR कोड आ चुका है। इस QR कोड को आप दूसरे मोबाइल पे स्कैन करेंगे और वो आपके यहाँ आपका नंबर वहाँ सर्च हो जाएगा। कैसे करते हैं, तो दूसरे मोबाइल में चलते हैं दोस्तों। इसको भी मैंने अपडेट कर लिया है WhatsApp को, इसके भी, इसके मैं WhatsApp पे जाता हूँ। WhatsApp पे जाने के बाद यहाँ पर भी मुझे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर भी QR कोड के ऑप्शन में जाना होगा। आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर लाइट्स में मिल रहा है, जैसे ही वहाँ जाएंगे उसके बाद मुझे यहाँ पर ये देखेंगे स्कैन मोड का ऑप्शन। दो मोड हैं, एक माय कोड और एक स्कैन कोड। माय कोड में जो मेरा कोड दिख रहा है वो माय कोड में दिखेगा, और मुझे किसी का स्कैन करना है तो स्कैन कोड के ऑप्शन में जाना होगा। आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ से ये स्कैन कर लिया, ये स्कैन होते ही आप देखेंगे दोस्तों ये यहाँ पर दिख गया है, ये चैटिंग का ऑप्शन चालू हो चुका है। नॉर्मली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप देखेंगे अगर मैं इस मोबाइल से, अब इस मोबाइल में कनेक्ट करूं तो मैं यहाँ स्कैन पे जाऊंगा, यहाँ माई कोड में जाऊंगा और इस मोबाइल से मैं यहाँ पर इसको स्कैन कर लूंगा, जो कि आप देखेंगे स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद ये पूरी चैटिंग हिस्ट्री आ गई है, ये करी हुई थी इसलिए आ चुकी है चैटिंग हिस्ट्री। अगर नहीं करी होती तो नहीं आती, डायरेक्ट नंबर सेव होता और मुझे वहां नंबर सेव करना पड़ता। तो दोस्तों, ये छोटा सा ऑप्शन था जो नया लेटेस्ट आया था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।